नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार। बेरमो उपचुनाव में इस बार सभी पार्टी अपने अपने क्षेत्र में लगी हुई है। उसी तरह झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री श्री लालचंद महतो डुमरी छोड़ इस बार बेरमो से चुनावी मैदान में है, और किस मुद्दे को लेकर इन्होंने बातचीत कर रहा है, उन्होंने BSP के टिकट से चुनाव लड़ रही है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जय मंगल सिंह है, तो वो भी बोले कि नहीं, हमारा सीधा टक्कर लालचंद महतो जी के साथ में वही चल रहा था। सही बात है, चलिए बोलिए। बेरमो विधानसभा को पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, सर इसमें कैसा लग रहा है? बेरमो विधानसभा मेरा जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। मैं डुमरी के विधायक होने के बाद भी बावजूद बेरमो में से, चूँकि मेरा यहाँ का मूल वासी हूँ, इसलिए बेरमो के जो मुद्दे हैं, जो यहाँ विस्थापितों के मुद्दे हैं, यहाँ के मजदूरों के जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो लेबर यूनियंस का जो मुद्दे हैं, यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो मुद्दे हैं, बोकारो थर्मल के मुद्दे हैं, चंद्रपुरा थर्मल के जो मुद्दे हैं, सारे मुद्दों पर मैं बराबर यहाँ संघर्षरत रहा हूँ। मैं बराबर यहाँ लड़ाई लड़ता रहा हूँ यहाँ के लोगों के लिए भी, तो इसीलिए यहाँ मेरा पहचान के लिए कोई अलग से परिचय देने का ज़रूरत नहीं है। लोग मुझे ज़मीनी स्तर पर लोग पहचानते हैं, जानते हैं, इसीलिए यहाँ मुझे लड़ाई लड़ने में, चुनाव लड़ने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। और इन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और जन समर्थन, अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का 70-80% लोग जो है आज जो है बसपा के साथ हाथी के लेके लोग पूरा रनवे में आगे बढ़ करके चल रहे हैं। इसलिए यहाँ मुझे लड़ाई में बहुत ज़्यादा, दोनों में से किसी के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। वे दोनों, भाजपा और यहाँ कांग्रेस, दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि कौन हम दूसरे नंबर में रहें। इसलिए लड़ाई के लिए हमको कोई यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही है, जन समर्थन हमें मिल रहा है। ये पैसा ले कर दौड़ रहे हैं, यहाँ भाजपा के जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये यहाँ भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे रघुवर दास हो, चाहे आपका, अरे गढ़वा का क्या नाम है उसका, भानु प्रताप शाही, जो 4 साल बेटा जेल में रहा, यहाँ परिचय दे रहा है, भाजपा को गंदा कर रहा है, ऐसे लोगों को लेकर के भाजपा यहाँ प्रचार कर रही है। तो भाजपा को तो नैया डूबना ही डूबना है, और डुबाने के लिए लोग यहाँ पर आया है। और कांग्रेस यहाँ बच्चा है, 50 साल से यहाँ कांग्रेस रहा है, 50 साल में यहाँ युवाओं के लिए ना कोई इंडस्ट्री बना, ना युवाओं का रोजगार के लिए कोई साधन बना, 50 साल में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए ना कहीं पर सिंचाई की योजना बनी, ना कहीं कुटीर उद्योग बना। तो इनको बोलने के लिए जनता के पास कुछ है नहीं, इसलिए ये दोनों के दोनों का सफाया होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी भारी से भारी मतों से यहाँ हम लोग विजय हासिल करेंगे, बस यही मेरा आज के दिन में कहना है। धन्यवाद। बेरमो के सभी वर्ग के मतदाताओं से हम कहना चाहेंगे कि बेरमो की जो समस्याएं हैं, बेरमो के जो बेरोजगारी है, बेरमो में जो विस्थापित हैं, विस्थापितों को उचित मुआवजा नहीं मिलता, बाजार रेट पर मुआवजा नहीं मिलता, विस्थापितों को नौकरी नहीं मिलता, और जो यहाँ के तमाम जो पिछड़े हैं, पिछड़ों को आरक्षण जो है रघुवर दास के खिलाफ हम लोग बराबर बोलते रहे लेकिन लागू नहीं किया। अभी सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो लागू नहीं कर रहे हैं। दलितों का जो आरक्षण है उसको घटा दिया गया, दलितों का बिहार के समय 14% था, अभी कर दिया गया 10%। पिछड़ों का आरक्षण बिहार के समय 27% था, अभी कर दिया गया 14%। और पूरे राज्य में जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए मैं बेरमो की जनता से अपील करना चाहता हूँ, विधानसभा में पिछड़ों का आवाज़ बुलंद करने के लिए, दलितों का आवाज़ बुलंद करने के लिए, गरीबों का आवाज़ बुलंद करने के लिए, विस्थापितों का आवाज़ को बुलंद करने के लिए, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो उसके लिए, अगर उनको बड़ा वकील चाहिए, वकालत करने वाला चाहिए,
तो विधायक क्यों बनता है? विधायक बनता है कि जनता के समस्याओं का वकालत करे, विधानसभा में करे, लोकसभा में करे। ना लोकसभा में इन लोगों ने यहाँ का वकालत कभी किया, यहाँ के बेरोजगारी का, ना विधानसभा में किया। तो लालचंद महतो अगर जीतता है, इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगा, संघर्ष करने का काम करेगा। इसलिए मैं जानता हूँ बेरमो की जनता हम पर विश्वास कर रही है और भारी से भारी मतों से हमको जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।